शारदा चिटफंड घोटाले में आज शिलोंग में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई की पूछताछ। पूछताछ से पहले कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर रहे नागेश्वर राव की पत्नी से कथित संबंधित कंपनी पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा आज फिर पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी वाड्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं। राजस्थान में आरक्षण की मांग के लिए दूसरे दिन भी गुर्जर आंदोलन जारी। रेलवे ट्रैक पर अलाव जलाकर बैठे आंदोलनकारी, कई ट्रेनों का रूट बदला, एक ट्रेन रद्द। रफाल विमान डील से जुड़ी चिट्ठी में प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल की बात सामने आने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, बोले रफाल घोटाले में मोदी सीधे तौर पर शामिल। नागरिकता बिल को लेकर गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारी विरोध, काले झंडे दिखाए गए। देशभर में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला जारी, अब तक 250 लोगों की मौत, अकेले राजस्थान में साल 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। ब्राजील के मशहूर फ्लेमिंगो फुटबॉल क्लब में आग लगने से अंडर 18 के 10 खिलाड़ियों की मौत, 3 खिलाड़ियों की हालत गंभीर। और ऑकलैंड में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड को T20 में उसके घर में हराया। 3 विकेट लेने वाले कृणाल पांडे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। सीरीज 1-1 से बराबर।